इनलो पूरी तरह से खत्म है और जल्द ही अभय चौटाला जी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, आपको पहले जानकारी बता रहा हूं मैं, आप देख लेना चाहिए। इनलो पूरी तरह से खत्म है और जल्द ही अभय चौटाला जी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, आपको पहले जानकारी बता रहा हूं मैं, आप देख लेना चाहिए। और बसपा का गठबंधन टूटने के कगार पर, तो आप भी गठबंधन की बातचीत आई है दो दिन पहले की, आपकी और जेजेपी की बात हुई है, तो आज में आज आपने कमीज भी ऐसा ही पहना है बसपा, क्या बसपा की और भी आपका गठबंधन हो? देखो पहली बात तो ये है, गठबंधन की जहां तक बात है, आम आदमी पार्टी पहले भी कह चुकी है, जो हरियाणा की जनता कहेगी, जो हरियाणा की जनता का माहौल होगा उस हिसाब से होगा, खुले दिल से खुले मन से सबसे बात होगी सीबीआई को उखाड़कर फेंकने के लिए। और जहां तक कुर्ता पहनने की बात है, भाई साहब मैं तो सारे रंग पहनू, ऐसी बात नहीं है रंगों से, तो मेरे ख्याल में बाकी आप कुछ भी अंदाजा लगा सको, लेकिन बहन जी को बहुत बड़ा धोखा दिया है। अब बहन जी की मतलब के साथ धोखा ही है ना, गठबंधन उनके साथ करते हैं, अभय चौटाला जी वोट बीजेपी को डलवाते हैं, तो जो इससे जो वोटर था और जो पार्टी के बीएसपी के जो वोटर थे वो भी इस चीज से नाराज थे कि बीजेपी को वोट डलवाने के खुद डलवाए इन लोगों ने। तो ये उसी तरह का है जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा साहब ने बीजेपी को वोट डलवाए जेल जाने के डर से, सुरजेवाला की जो है हार करवाई है तो खुद सुरजेवाला ही कह रहा है। और मेरे को लगता है अभय चौटाला जी और हुड्डा साहब दोनों जेल जाने के डर से बीजेपी की साइड में हैं, ओपन ना हो चुपचाप जरूर हैं, और ये तो मेरे ख्याल में ओपन हो रहे हैं, वोट उनने उसको डलवाई और हुड्डा साहब की कह रहे हैं खुद सुरजेवाला साहब की भाई गड़बड़ करी है। तो आगे जो भी गठबंधन तो जो भी को होगा आप लोगों के सामने होगा और सारी चीज बता दी जाएगी। चंडीगढ़ में और उसमें समीक्षा की जाएगी जो जीत उपचुनाव की हार की, क्या लगता है आपको कि इसकी वजह क्या रही है? समीक्षा के करनी हमें बताने लग रहा है भाई साहब, जेल जाने के डरते है बीजेपी तो वोट दे रखे, समीक्षा क्यों होनी है, हाथ पल्ले कुछ रहा नहीं, वो तो सीधा जेजेपी का वोट है, जो जेजेपी में गए हैं जो लोग, इन लोग पूरी तरह से खत्म है और जल्द ही अभय चौटाला जी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, आपको पहले जानकारी बता रहा हूं मैं, आप देख लेना चाहिए। अब स्थिति ये हो गई है हरियाणा के अंदर कांग्रेस खत्म हो चुकी है, इन लोग खत्म हो चुकी है, तो अब बीजेपी के सामने जो भी है स्थिति, हम तो भाई हम तो यही कह रहे हैं, हम रास के बीजेपी ने और किसी के बस की बीजेपी है नहीं। तो जब इस देश के अंदर हाल में ये चल रहा है कि दो आदमी पूरे देश को चला रहे हैं, सारी संस्था वंस्था किसी की कोई वैल्यू ना है इस देश में, चाहे कोर्ट हो और चाहे वही सीबीआई हो और चाहे चुनाव आयोग हो, कुछ भी हो, जो भी कुछ होता है दो लोग हैं वो अपना चला रहे हैं, अपनी हिटलर साई जितने दिन चल रही इतने लोग बेकायम आएंगे चल रही है। अभय सिंह चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वोट ट्रांसफर कराए हैं किस भी आपको? भाई साहब जो जनता बोल रही है उसी भी आप पे मैं बोल रहा हूँ, सुरजेवाला साहब खुद बोल रहे हैं हुड्डा साहब की, तो और अभय चौटाला साहब की वहाँ के जो लोग हैं जींद क्षेत्र के लोग सब ये कह रहे हैं कि भाई दोनों जेल जाने के डरते बीजेपी को सपोर्ट करा है। अब भाई एक बात बताओ ना, इन लोग की 30-32 हजार वोट आई थी पिछली बार और गठबंधन था, 8-10 हजार वोट बीएसपी की भी आई थी, तो वहां पे तो सारे लोग खुले आम कह रहे हैं कि भाई वहां पे इन लोगों की तरफ से सारे वोट बीजेपी को दिए गए हैं और वो इसलिए दिए गए हैं कि भाई जेल जाने से बच जाओ, और ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ भाई, सब कह रहे हैं, सब रुका मारा है। हुड्डा साहब का तो पूरा इशारा था बताओ है, खूब कप प्लेट में चाय पिए रुके मार मार के, भाई कप प्लेट लाओ कप प्लेट लाओ। देखो जेल जाने का डर जो होता है वो इनको ज्यादा सता रहा है, और मैं तो कह रहा हूँ सारी कांग्रेस रुक के मारा भाई साहब, किससे कार्यकर्ता जाकर पूछ लो, सारे कार्यकर्ता ये कहे हैं कि भाई हुड्डा साहब ने करवा दिया काम सुरजेवाला का, कपलेट कपलेट का भाई उनका ट्रांसफर करो, मतलब उसको नहीं पढ़ना चाहिए ना किससे, उसका मतलब था किससे ने घेर दो, लेकिन वहां के जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं
कि बीजेपी को वोट खूब गिरवाए हैं, जितनी थी इनकी, जितनी भी अपनी वो थी। और ये तो कांग्रेस वाले सारे रुके मारे हैं भाई साहब। अभय चौटाला जी, हुड्डा साहब, दोनों सीबीआई से डरा रखे हैं और दोनों ने बीजेपी को पूरी सहायता करी है, चाहे किसी भी तरीके से करिए। बिल्कुल लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सीबीआई का डर दिखा गए, वोट डलवाए जा हैं, लेकिन डलवाए गए हैं, क्या करें बताओ। अब हम तो यही कह रहे हैं कि भाई ये लोकतंत्र के लिए बीजेपी बहुत खतरा है। लेकिन मेरे को ये आस नहीं थी कि हुड्डा साहब भी डर जाएंगे, अरब साहब भी डर जाएंगे। डरना तो नहीं चाहिए था ना उन्हें, कम से कम।